नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में। दोस्तों, जो आप वीडियो देख रहे हैं मेरे लाइव क्लासेस की वीडियोज है, जो कि जूम ऐप के थ्रू हम लोग कंडक्ट करते हैं। इसकी मदद से आप हमारी क्लासेस अपने घर पे भी ले सकते हैं, लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन, जिसमें आप सीखेंगे एडवांस एक्सेल, वीवीए मैक्रो, एमएस एक्सेस, डैशबोर्ड, सिक्वल, टैबलू एंड बीआई टूल्स। हमारे दो कोर्स नए लॉन्च हुए हैं, टैबलू एंड बीआई कोर्स, जिसको आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं सर कि ये जो क्लास है आज का, वो क्लास है हमारा एमएस एक्सेस डेटाबेस का, और एमएस एक्सेस डेटाबेस में हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं। और मेरे साथ शारदा प्रसाद जी हैं, जो कि अभी ज्वाइन करने वाले हैं। मैंने उनको अपनी इन्विटेशन लिंक भेजा है, क्योंकि जब भी क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको एक इनविटेशन लिंक की जरूरत होती है। वो लिंक आपको रिसीव होता है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास को एंजॉय कीजिए साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट ना करके डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। हम आपको फोन पे या व्हाट्सएप पे नंबर जो दिख रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर सकता हूँ। और साथ में आप चाहते हो मेरे साथ लाइव कनेक्ट होना, मुझसे कुछ चीजें सीखना, तो ऐसे हम दो एक दो क्लास एज ए डेमो देते हैं, तो एज ए डेमो आप जुड़ सकते हैं। इन सबों के लिए वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शारदा जी प्रसाद जी ज्वाइन करने वाले हैं। तो शारदा प्रसाद जी ने ज्वाइन कर लिया है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लिस्ट बॉक्स, लास्ट क्लासेस में हम लिस्ट बॉक्स पे डेटा को लोड करना सिखा रहे थे आपको, कि सीक्वल कोडिंग की मदद से डेटा कैसे लोड करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सर। जी जी सर जी अब चलिए उसी से आगे की हम प्रोसेस करते हैं, उसी चीज को हम दोबारा करते हैं, फिर उससे आगे करते हैं। एक नया डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है, और यहाँ पे मैं इसको डिजाइन करता हूँ, डेटा के नाम से डाला डेटा, और यहाँ पे सी नेम सिटी अमाउंट, छोटा डेटा ही बनाता हूँ मैं, जी ठीक है सर। जी फिर इसके अंदर कुछ डेटा भी फिल कर देता हूँ। सर ऑलरेडी 10 लगा तुम, 10 का रिकॉर्ड है तो रिपीट होगा। ये हमारा डेटा सेट बन गया, जी ठीक है सर। सर उसके बाद हमने इसको सेव किया। अब क्रिएट में जाते हैं, एक डिजाइन फॉर्म पे आते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। जो टेक्स्ट बॉक्स है हमने यहाँ पे रखा सिटी, ठीक है, और इसकी डेकोरेशन अगर हम कर सकते हैं, जी
और ये पर यहाँ पे हेडिंग में हम कुछ लिख दें, सर्च डेटा फॉर सर्च डेटा फॉर पेमेंट बाय सिटी। ये हमारा हेडिंग हो गया और हेडिंग को मूव पर रख देते हैं और एक और यहाँ पे लिखते हैं एंटर सिटी टू सर्च डेटा और यहाँ पे एक और लिखते हैं हमें सिटी शो डेटा इन लिस्ट बॉक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम एक लिस्ट बॉक्स लेते हैं और लिस्ट बॉक्स को ड्रैग करते हैं और मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूं। डेटा ने रो सोर्स के अंदर में, ठीक है, लिखता हूं, इसको जूम कर लेता हूं ऊपर, इसमें नहीं लिखता हूं, इसमें क्या लिखूंगा, वीवीए में लिखा है ना मैंने, तो वीवीए में जाता हूं और इवेंट इसके ऊपर इसमें चेंज करना है ना, यहाँ इवेंट में आफ्टर अपडेट इवेंट प्रोसीजर और क्लिक किया, यहां पे लिखता हूं लिस्ट आई थिंक टू होगा, नहीं लिस्ट फोर होगा, नहीं एक मिनट देखने दीजिए लिस्ट बॉक्स का ये नाम क्या है, लिस्ट फाइव, लिस्ट फाइव डॉट रो सोर्स इक्वल टू यहां लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम कौन टेबल है वेयर डेटा डॉट आई डी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में, यहां पर चार वर्ड देना है ना, जी जी टैक्स जीरो डॉट टैक्स जीरो डॉट वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा एन परसेंट सेमीकोलन, क्या सर ये है ना, लास्ट में जो है सर, हाँ इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ डेटा नाम से, डेटा एफ के नाम से, डेटा एफ के नाम से सेव हो गया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली, नहीं आया दिल्ली का रिकॉर्ड, असल वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ सर, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम जो था ना सर हमारा, हाँ यहाँ पे एक डबल कोट के बाद लास्ट, अच्छा ये फ्रॉम, फ्रॉम यहाँ देखिए फ्रॉम का स्पेलिंग मिस्टेक था सर, हाँ वो है, नहीं ये भी गड़बड़ हो गया सर, लास्ट में थोड़ा देखिए तो यहाँ जीरो बट यहाँ बड़ी बाइक में रखेंगे आई थिंक, तो
यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, तो मैं यहाँ पे देखिए दिक्कत हो गया थोड़ा सा, मैं सेव करता हूँ। मैं यहाँ पे एक क्वेरी जनरेट करता हूँ, फॉर्म्स एक सेकंड दीजिए सर, कहीं मिस्टेक कर रहा था मैं, स्टेटस आता हूँ। सही तो बताया मैंने, सॉरी। उसमें सिलेक्ट डेटा फ्रॉम द डेटा वन, देयर इज द डेटा वन द क्यू इक्वल टू हुआ था चार सिक्स डॉट रो सोर्स। ओके हेलो। हाँ जी सर, वो ठीक है, वो ठीक है। आई थिंक हम लोग ये नहीं दिए हैं, जो ऊपर में जो डाटा है ना, टेक्स्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू जो देना पड़ेगा वो नहीं दिए। कौन सा लिस्ट ब्लॉक जो है ना सर, टेक्स्ट लिस्ट ब्लॉक जीरो डॉट वैल्यू किया ब्लॉक का स्क्रीन टेक्स्ट जो वहां पे कुछ टेक्स्ट जीरो डॉट वैल्यू हमने यहाँ लिखा है ना, देखते हैं। डॉट आई डी कॉमो डेटा डॉट सी सी नेम कॉमा डेटा डॉट अमाउंट सिटी है ना, सिटी कॉमा डेट बड़ी ब्रैकेट में और छोड़ कर देता हूँ मैं, डेटा डॉट amount from there is the data dot id hello ha ah.
क्लास ले रहे हैं। देखना पड़ेगा दोनों रात। ठीक है। यहाँ हो जाएगा एक काम और हो सकता है कि एक दिक्कत और हो सकती है कि डिजाइन व्यू में हमने लिस्ट बॉक्स लिया और इसमें हमने कॉलम काउंट यहाँ पे 3-4 होना चाहिए। क्या दिक्कत होगी इसमें मैंने यार टेक्स बोलो देखो तो एमएसजी बॉक्स देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। Select data ID, data CNAME, data city, data non from the data build data dot ID equal to Delhi यही तो है। अगर मैं इसको डायरेक्ट डालता हूँ डिजाइन व्यू में ये जो कोड हमने यहाँ डाला हुआ है प्रॉपर्टी शीट रो सोर्स में मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फॉर्म डेटा वेयर आईडी डेटा हाँ इक्वल टू तो हमारे पास दो प्रॉब्लम थी इस कारण से ना डेटा शो नहीं हो रहा। सबसे पहले प्रॉब्लम थी कि लिस्ट बॉक्स में हमने यहाँ इसमें फॉर्मेट में कॉलम काउंट 1 कर रखा था, मतलब कि वो एक ही कॉलम को सेट कर रहा था, बट हमारी क्यूरी जो है वो 4 डेटा को ले रही थी, समझ गए। तो हमने यहाँ पे कॉलम काउंट 4 कर दिया तो इससे क्या हो गया कि 4 को लेगा। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि हमने वेयर सिटी डेटा में यहाँ आईडी इक्वल टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था सिटी होना चाहिए था। तो इससे हमारा अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है। कि जब मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ दिल्ली और यहाँ आ जाता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिस कारण से ऐसी हो रही थी। ठीक है। अब दूसरी मैं एक मैनुअल फॉर्म डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, डिजाइन फॉर्म मैनुअल फॉर्म। मैनुअल फॉर्म में मैं यहां से टेक्स्ट बॉक्स को लिया और क्या हो गया इसमें यहां से ये है ना टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स लिया, ये हमारा हो जाएगा आईडी। ठीक है सर, आईडी हो गया।
आईडी हो गया। उसके बाद बाकी डिटेल्स हम यहाँ देखना चाहते हैं कि वो चेंजिंग मोड में आना चाहिए, समझ गया। एक चीज मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप कीजिएगा, कल फिर इसी फाइल पर आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी नहीं, उसके बाद तीसरा जो हमारा है वो है तीसरा क्या है सिटी है, और फिर इसमें हमारा अमाउंट। ठीक है सर, हो गया। अब मैं इस फॉर्म को डीएफ फॉर्म मान, इसका डीएफ नाम होता है, डीएफ फॉर्म को यहाँ ओके कर। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँ, डबल क्लिक करते मेरा डीएफ फॉर्म ओपन हो, और यहाँ पे जो आईडी नंबर जो जहां पे क्लिक किया उसकी आईडी नंबर डलते ही यहाँ पे सारी रिकॉर्ड यहाँ पे आनी चाहिए, जो रिकॉर्ड वहां दिख रही है। तो उस केस में मैं डिजाइन व्यू में जाऊंगा और बेसिकली इस पे है, हम यहाँ आते हैं, नहीं इसके ऊपर में करेंगे आफ्टर अपडेट चेंज पे करेंगे, आफ्टर अपडेट में वैल्यू ऑन क्लिक इवेंट चेंज ऑन चेंज, ठीक है, इवेंट प्रोसीजर एंड ओके। यहां पे n इक्वल टू लगेगा डी लुकअप, और डी लुकअप में क्या वैल्यू चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए नेम, सी नेम, डोमेन कौन सा है तो मैंने बोला डेटा, और क्राइटेरिया क्या है तो क्राइटेरिया है मैंने बोला आईडी डेटा, तो डायरेक्ट यहाँ यहाँ बड़े बाइकर में लिख देता हूँ डेटा डॉट आईडी इक्वल टू, और यहाँ पे हम कॉन्कटा नेट करते हैं टैक्स 0 डॉट कौन सा है टैक्स 0 नहीं टैक्स 1 है टैक्स 1 डॉट वैल्यू, और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, और फिर मैं ये टेक्स्ट 2 है हमारा टेक्स्ट 3 डॉट सॉल्व कीजिएगा। हेलो हाँ जी, अभी क्लास से रहूँ मैं आपको 5 मिनट कॉल करूँ, 5-10 मिनट कॉल कीजिएगा, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब इस पे आते हैं, मैं एक मिनट मैं यहां डालता हूं 1 debug syntax error ओके, अच्छा टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू null है, नल क्यों हो, ओके
मैं यहाँ चेंज पे नहीं लगाता, आफ्टर अपडेट पे लगाता हूँ। बिफोर अपडेट में हो गया, आफ्टर अपडेट था ना, आफ्टर अपडेट पे इसको कट करके यहाँ डालता हूँ, इसको डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं वन लिखता हूँ और टाइप करता हूँ, कुछ आ गया क्या सर? अब उसी तरीके से हम तीनों टेबल को यहाँ पे मैच कर लेंगे डी लुकअप से। एन हो गया, नेम हो जाएगा, सिटी हो जाएगा और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिटी, बाकी सब चीज सेम रहेगा, रहेगा सिटी और यहाँ हो जाएगा अमाउंट, ठीक है सर। और यहाँ पे टेक्स्ट वन रहेगा, चेंज होगा, हाँ कंडीशन सेम रहेगा, कंडीशन तो सेम ही है ना। ये आपका हो जाएगा टेक्स्ट 5 और ये हो जाएगा टेक्स्ट 7। सेवन हाँ तो यहाँ जाएगा टेक्स्ट 5 डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एन के जगह पे हो जाएगा जा। मैं कुछ गलत कर तरीके एक्चुअली क्या ना सर, हमारा दूसरे जगह पे हम लोग कर रहे हैं, तो कंडीशन लिखे थे डॉट वैल्यू वैल्यू इक्वल टू ए, ए नहीं होगा इसमें तो, ये होगा ना सी होगा ना, टेक्स्ट 5 7 डॉट वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट डेटा के जगह पे यहाँ पे सिटी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा नेम। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चेंज पे वर्क क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे इवेंट चेंज करवाना है सर। तो वन डालूं तो ये डालते ही हो जाता है चेंज बिफोर, और जब मैं रिवर्क करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि टेक्स्ट की वैल्यू ब्लैंक है, इसका मतलब समझ रहा है कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, जब तक इसमें वैल्यू नहीं डलती है तब तक मैं बिफोर चेंज वर्क करता है, आफ्टर चेंज नहीं करता है। समझ गया ना सर क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो इसमें आफ्टर अपडेट ही होगा, हाँ इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि आफ्टर अपडेट में जब मैं करता हूँ, यहाँ आफ्टर अपडेट अगर सिलेक्ट करता हूँ तो आफ्टर अपडेट पे हमारा ये वर्क कर रहा है सी और ए, ए अब यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे अगर टू देता हूँ ये क्या हो गया, अच्छा नेम नहीं है, कोई अमाउंट है, तो आप देखिए डेटा फिल हो गया। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि इसको इस चीज को मुझे रन करना है डेटा एफ से, समझ गए? तो डेटा एफ के डिजाइन व्यू में मैं जाता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां पे इवेंट ऑन क्लिक ऑन फोकस ऑन डबल क्लिक, डबल क्लिक पे मैं यहां इवेंट प्रोसीजर लेता हूं और यहाँ लिखता हूँ डू सी एम डी, बताया था आपको याद होगा रन फॉर्म, हाँ रन फॉर्म ओपन फॉर्म, ओपन फॉर्म और फॉर्म का नाम है डी एफ, समझ गए? उसके बाद हमने यहाँ पे दिया कि फॉर्म अंडरस्कोर डी एफ
text one dot web equal to list form underscore data f dot list file dot value. समझ गए? अब इसको एक बार सेव करता हूं. अब क्या होगा कि जैसे मैं डेटा एफ पे यहां पे मान लीजिए मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया, दिल्ली टाइप किया, ओके, डेटा आ गया हमारे पास. और जैसे मैं मान लीजिए कि ओम पे डबल क्लिक किया तो यहां पे देखिए आ रहा है 3985. इट क्यों आ गया? नहीं नहीं 9854 9857. अच्छा ये वैल्यू आ रहा है, ये आईडी आना चाहिए था ना, आईडी भी आ जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैसे होगा, मान लीजिए तो आईडी आ जाए, वो दिक्कत नहीं है. लिस्ट यहाँ, समझिए सर, तो आईडी इसका आ जाएगा, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, आईडी यहाँ पे आ जाएगा. List five dot value equal to dot list. अच्छा इसके सिलेक्टेड आइटम लगाना पड़ेगा. देखिए डॉट वैल्यू में पहला ही रो आता है. अच्छा हाँ हाँ वो हमने एक छोटी सी गलती किया हुआ है, इसमें हमें देना होता है बाउंड कॉलम 4. हाँ इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे 1 करना. अब समझ में आया क्या दिक्कत, यहाँ पे दिल्ली डबल क्लिक किया, 1 आ गया सर. अब जैसे 1 को आप टाइप करेंगे, 1 को टाइप किया, अब यहाँ पे 2 जगह टाइप करेंगे डेटा आ रहा है, लेकिन वो डिफॉल्ट नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि हमारा चेंज पे वर्क नहीं कर रहा है. तो आप ये कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे दिया है ना, जैसे हमने इसमें जो ये लगाया है हमारा जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें जो लगाया ऑन क्लिक में नहीं आ रहा है, ऑन क्लिक में, ऑन क्लिक में नहीं आएगा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में. हाँ एक सिंगल क्लिक हुआ, हमने डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करे तो हुआ है, समझ गए? और यहाँ ऊपर में हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कि आईडी आई इक्वल टू ये जो है ना यहाँ पे कॉपी आई, यहाँ पे आई इक्वल टू कर देता हूँ आई इक्वल टू, और ये जहां जहां टेक्स्ट 1 जो 0 है यहाँ पे आई, और यहाँ भी आई, और यहाँ भी आई. तो आई थिंक अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. मैं इसको सेव करके क्लोज करता हूँ. अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली, और जैसे इसको डबल क्लिक करूँ, एक मेरा ऑब्जेक्ट है. अच्छा हाँ, इसमें आपको ये देना पड़ेगा, फॉर्म का नाम भी देना पड़ेगा, क्योंकि दो फॉर्म खुला, दो फॉर्म ओपन है ना, दो फॉर्म में इसमें आपको देना पड़ेगा फॉर्म का पूरा एड्रेस, कौन से फॉर्म का क्या हमें करना है. इस पे है नेम तो है ही आपका, सब कुछ है यहाँ पे, बट फिर आपके पास आइए. तो अब मैं जिस पे डबल क्लिक करूंगा उसका ही डेटा हमें दिखाएगा. 6 कविता किया, कविता आ गया, ओम यहाँ. अब मैं इसमें मान के कुछ चेंजिंग करता हूँ, समझ गए? तो वो चेंजिंग मेरे डेटा में चेंज होना चाहिए, ये चाहते ना?
तो इसके लिए हमको चलाना होगा, एक बटन बनाना होगा और चलाना होगा अपडेट क्यूरी, जो कि हम आपको कल बताएंगे। ठीक है सर, अपडेट क्यूरी के बारे में हम आपको कल बताएंगे। ओके सर, ओके सर।